तो दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं CUET में पार्टिसिपेट करने वाली वो सारी की सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज जो अगर आपको गवर्नमेंट सेंट्रल या स्टेट यूनिवर्सिटी डीम्ड यूनिवर्सिटी नहीं मिल रही है तो आप फोकस कर सकते हैं। ऑब्वियसली बात है यहाँ पे फैसिलिटी जरूर अच्छी मिल जाएंगी, लेकिन यहाँ पे अच्छी खासी मोटी रकम भी लगने वाली है आपको इन कोर्सेज की। लेकिन ठीक है, इनमें कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी भी हैं जिनको आप सच में टारगेट कर सकते हैं। और मुझे लगता है जितनी भी ये यूनिवर्सिटी में बताने वाला हूँ जो पार्टिसिपेट कर रही है, उन सबके अलग अलग रिव्यूज़ जो है मैंने कॉलेज रिव्यू बनाए हुए हैं, तो उनको जाके भी आप देख लीजिए, चैनल पर ही वो सारे मिल जाएंगे अगर किसी को आपको टारगेट करना है। उसके अलावा अगर कन्फ्यूज़न पड़ रहा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, जल्दी से उस पर क्या करना है अपने आप की डिटेल्स फिल करनी है और हमारी टीम से कॉन्टैक्ट करके आप बहुत अच्छे से अपने लिए एक इंस्टीट्यूशन में मदद ले सकते हैं। चलिए यहाँ पे हम स्टार्ट कर लें भाई। हमने एक बार डिस्कस कर ही चुका है कि चार प्रकार की यूनिवर्सिटी यहाँ पार्टिसिपेट कर रही है CUET में, चाहे वो सेंट्रल हो, स्टेट हो, डीम्ड हो या प्राइवेट। बाकी तीन यूनिवर्सिटीज़ पे हम डिस्कस कर चुके हैं अलग अलग वीडियोज़ में, चैनल पर ही पड़ी हैं, चेक कर लो। अभी इसमें हम केवल बात करेंगे कॉलेजेस की, सॉरी यूनिवर्सिटीज़ की जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं। जैसे हम दयानंद सागर यूनिवर्सिटी की बात कर लें, AKS, अलायंस यूनिवर्सिटी, IIT यूनिवर्सिटी झारखंड, इनके अलग अलग कैंपस हैं बहुत सारे, है ना। AMIT जे हो गया नोएडा, AMIT पटना, AMIT पंजाब, ठीक है, ऐसे इनके अलग अलग कैंपसेस हैं, ठीक है। नोएडा वाला थोड़ा सा बढ़िया, अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर, अवंतिका यूनिवर्सिटी उज्जैन, ठीक है। तो ये सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं। बाबा बनारसीदास यूनिवर्सिटी, बहरा यूनिवर्सिटी, सिप्ला हिल्स पढ़ दिया, अच्छा खासा इनका व्यू है, ओवरव्यू। बरेली इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, भगवंत यूनिवर्सिटी हो गया, बिरला ग्लोबल यूनिवर्सिटी, है ना, तो इनका भी नाम अच्छा चलता है। करियर कॉलेज है, ये भोपाल का है, अच्छा खासा जाना माना कॉलेज है मध्य प्रदेश में, ठीक है, बहुत सारे ऑप्शन आपको प्रोवाइड करा रहा है। सेंचुरियन यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट, ये आंध्र प्रदेश का यूनिवर्सिटी है जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, आपको बहुत से ऑप्शन प्रोवाइड करा रहा है। सेंचुरियन में ही आपको टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट, इनका कैंपस ओडिशा वाला है, जो कि एक अच्छा ऑप्शन आपको हो सकता है अगर आप ओडिशा के कैंडिडेट हैं तो। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी हो जाएगी, कोयर यूनिवर्सिटी है, इसके अलावा DAB यूनिवर्सिटी, ये जलंधर की है, जलंधर भैया आपका पता ही है पंजाब में। GD गोइंका बहुत सारे ऑप्शंस आपको प्रोवाइड कराता है, अलग अलग वैरायटी की कोर्सेज हैं यहाँ पे, है ना, जिस भी फील्ड में करना चाहो, ठीक है। तो दिल्ली मतलब NCR में आता है गुरुग्राम, वहाँ पर गलगोतिया भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, हो सकता है। देखो यार, ये सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटी अपने अपनी फील्ड में माहिर हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो माहिर हैं वो कायम है रकम वसूलने में, मोटी मोटी। तो अगर आपके पास है बजट तो बिल्कुल आप इनको कर सकते हैं, और अगर कन्फ्यूज़न है कि इनमें भी बेस्ट क्या है तो भाई बिल्कुल आप नीचे आ जाओ, प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म भरा है, उससे जाके आपको सारी जानकारी मिल जाएगी, ठीक है, हमारी टीम आपको गाइड कर देगी। गणपत यूनिवर्सिटी हो जाएगी, फिर गीता यूनिवर्सिटी है साउथ की, एक अच्छी खासी ऑप्शन आपको मिल जाएगा, इनका एक कैंपस कहाँ है पानीपत में भी है, दिल्ली हरियाणा सारे ऑप्शन, ठीक है। GLA यूनिवर्सिटी है, ये GLA भी मथुरा की यूनिवर्सिटी है जो आपको अच्छा खासा ऑप्शन प्रोवाइड कराएगी वैरायटी ऑफ कोर्सेज की बात करें तो। गोखले इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स, गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी, हरिद्वार यूनिवर्सिटी, हिमालयन यूनिवर्सिटी, IIM है ग्रेटर नोएडा की, IIM इनका एक गुरुग्राम कैंपस भी है, ठीक है, इन्वर्टिस हो जाएगा। ITM है, ITM रायपुर है। देखो यार, ये कुछ ऐसी यूनिवर्सिटी है जिन्होंने अपने कैंपसेस अलग अलग सिटीज़ में बना के रखे, बढ़िया बढ़िया, ठीक है। सो जैसे ये नवी मुंबई का कैंपस है ITM का, ये यहाँ पर रायपुर का कैंपस है, तो ये पार्टिसिपेट कर रही हैं। ITM बड़ौदरा वोकेशनल यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे जगन्नाथ यूनिवर्सिटी है जो कि बहादुरगढ़ हरियाणा में स्टैब्लिश है, इसके अलावा जगन्नाथ यूनिवर्सिटी का जयपुर कैंपस है। JP हमने बात करी है, इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी गुना, JP गुना के नाम से जाना जाता है। JP यूनिवर्सिटी ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, JP यूनिवर्सिटी अनूपशहर, तो ये JP यूनिवर्सिटी ही है, उनकी अलग अलग कैंपसेस हैं सिटीज़ में, ठीक है। KR मंगलम यूनिवर्सिटी है, लवली प्रोफेशनल LPU नाम सुना ही होगा। माधव यूनिवर्सिटी, ये ऑप्शन आपको मिल जाने वाले। इसके अलावा हम जाएँ तो मेजर SD सिंह यूनिवर्सिटी है, मानव रचना यूनिवर्सिटी है, इन सब पे मुझे लगता है मैंने रिव्यूज़ बनाए हुए हैं, एक बार चेक ज़रूर कर लीजिएगा। मारवाड़ी यूनिवर्सिटी है, मणिपाल यूनिवर्सिटी हो गई, मेवाड़ी यूनिवर्सिटी है, मोदी यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, निर्वाण यूनिवर्सिटी जयपुर की है, नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, PP सवानी यूनिवर्सिटी है। इसके अलावा हम जाएं तो पीपल्स यूनिवर्सिटी है, ये भोपाल में है, पूर्णिमा यूनिवर्सिटी जयपुर है, रैयत बहरा यूनिवर्सिटी हो गया, इसके अलावा RNB ग्लोबल है, रॉयल ग्लोबल यूनिवर्सिटी, RV यूनिवर्सिटी है ना। फिर हम बात करें तो संस्कृति यूनिवर्सिटी, स्कूल ऑफ मैनेजमेंट साइंस, SGT यूनिवर्सिटी, तो
आपको मैं बता रहा हूँ कि बहुत सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, शारदा यूनिवर्सिटी, सोलनी यूनिवर्सिटी, श्री राम स्वरूप मेमोरियल यूनिवर्सिटी, श्री रावतपुरा सरकारी यूनिवर्सिटी है, ये रायपुर में है। इसके अलावा सर पदमपत सिंघानिया यूनिवर्सिटी है, ये उदयपुर की है। इसके अलावा सोमैया यूनिवर्सिटी है, ठीक है, SRM यूनिवर्सिटी है, इनके अलग अलग कैंपस हैं आंध्र प्रदेश का, दिल्ली का। इसके अलावा सनबीम है, सनबीम भी अच्छा ऑप्शन है, लेकिन वुमेन कॉलेज है, ठीक है, ये बनारस में है। सुरेश ज्ञान विहार यूनिवर्सिटी जयपुर, तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी TMU के नाम से जानी जाती है, ICFAI त्रिपुरा, IFAI के भी अलग अलग कैंपसेस हैं, सिक्किम का भी है, यूनाइटेड यूनिवर्सिटी प्रयागराज, UPS देहरादून, बहुत सारे ऑप्शन आपको प्रोवाइड करा रहा है अलग अलग डिफरेंट वेराइटी के कोर्सेज। ऊषा मार्टिन यूनिवर्सिटी है, विग्नन फाउंडेशन फॉर साइंस टेक्नोलॉजी रिसर्च, ये डीम टू बी यूनिवर्सिटी होने वाली है, अभी हो गई होगी। विवेकानंद ग्लोबल यूनिवर्सिटी है, ठीक है, VGU के नाम से जानी जाती है। तो ये सारे के सारे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के ऑप्शंस आपको CUET जो कोर्सेज ऑफर कर रहे हैं ये आपके पास रहे, जिन पे हमने डिस्कस कर लिया, एक एक पे बहुत डिटेल में डिस्कशन भी किया हुआ है ओवरव्यू के मामले में। तो आपको अगर कुछ टारगेट करना है किसी इंस्टीट्यूशन को, यूनिवर्सिटी को, तो आप उनको देख सकते हैं, आपको चैनल पर ही मिल जाएगी वीडियोस, और भाई दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, साथ ही साथ चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और एक चीज़ और क्लियर कर लें, डाउट डिस्प्यूट जहाँ भी हो रहा है, कन्फ्यूज़न हो रहा है, कोई नहीं बताने को है, तो हम हैं, हमारी टीम आपकी हेल्प कर देगी। नीचे आपको प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म ज़रूर फिल कर देना है। बाकी मिलेंगे अगली जानकारी के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.